And welcome to my channel, my academy point. Hello friends, today I am going to teach you about the use of that. Okay, that कहाँ पे use होना चाहिए वो मैं आज आप लोगों को हिंदी में सिखाने वाली हूँ. अभी तक के हर एक वीडियोस में मैंने आप लोगों को इंग्लिश में है सभी ग्रामर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट सिखा दिया है. आज मैं आपको हिंदी पे कई चैप्टर्स मैंने हिंदी का भी यूज़ किया है, लेकिन ये सब बिगिनर्स के लिए है. जो हिंदी और गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही मैं ये वीडियोस लेना चाहती हूँ. अभी यूज ऑफ डैट, डैट का मीनिंग क्या है? अब कोई सोचे कि ये डैट है क्या, उसका मीनिंग है वो या तो उस. ओके, डैट का मीनिंग क्या है, वो या तो उस. अभी जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं वो मोबाइल खरीदूंगा, मैं वो मोबाइल खरीदूंगा, तो उसका क्या होता है इंग्लिश में, आई विल बाई डैट मोबाइल, आई विल बाई डैट मोबाइल. देखो यहाँ डैट तो आ गया है, वर्ब के बाद डैट यूज किया है, और जो मोबाइल है वो नाउन है, थिंग है. ओके, अभी दूसरा सेंटेंस में बता सकूं, मैं उस गाने को गा सकती हूँ, आई कैन सिंग दैट सॉन्ग, I can sing that song. Okay, ये देखो दो verb के साथ, ये will helping verb है, उसके साथ the main verb है, उसके बाद that use हुआ है. Okay, ये students सिर्फ आप लोग videos को ही नहीं देखो, आप उसके साथ में pen और book भी लेके रखिए, और उस साथ में लिखते हो, वीडियो सुनते भी जाओ, लिखते भी जाओ. अगर थोड़ा वीडियो स्पीड पे होता है तो पॉज करो और फिर लिखते जाओ. अपना खुद का नोट्स ही सबसे बेस्ट आइडिया मिलता है, अपने खुद ही ये नोट्स बनाते जाएंगे सो ही अपने इजीली. स्कूल पे तो ये सब पढ़ाते हैं, लेकिन दैट और दिस वो सब कहाँ पे यूज होता है शायद वो भी नहीं होते इंग्लिश में थे, बट मैं ये आप लोगों को हिंदी में भी यूज, इसका ये डैट का मीनिंग है वो या तो उस. जैसे कि आई विल बाई डैट मोबाइल, मैं ये मोबाइल लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, मैं ये गाना गा सकती हूँ, तो उसके लिए ये डैट यूज किया है. अभी दूसरा वर्ड डैट कब आता है, जैसे कि अभी दूसरा वर्ड आता है डैट का मीन्स, उसका मीनिंग है की. ओके, की यानी दो सेंटेंस के बीच में अगर डैट आए तो उसका मतलब की होता है. जैसे कि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी हो, मैं जानता हूँ एक वर्ड्स एक सेंटेंस है, और तुम अच्छी हो वो दूसरा एक सेंटेंस है. तो ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करके बोलते हैं, और उसके बीच में जो की वर्ड आता है वहाँ पे डैट यूज करते हैं. जैसे कि आई नो डैट यू आर गुड, आई नो That you are good. Okay, ये एक sentence. Second sentence में बोला, पिताजी ने बताया कि वह सो रहा है. पिताजी, that is a direct sentence में, indirect speech में भी जाता है, speech में भी, कि father told that he is sleeping. Father told that he is sleeping. दोस्तों दो सेंटेंस बोल सकते, ही इज स्लीपिंग, फादर टोल, आई नो यू आर गुड, और वो दो सेंटेंस के बीच में दैट यूज होता है, मींस वो की वर्ड आता है, दैट इज द दैट. अभी सेकेंड सो दैट, अब थर्ड वाला है सो दैट, उसका मीनिंग क्या है. सो दैट के साथ भी हम यूज करते हैं, उसका मीनिंग है इसलिए, इसलिए. ओके, इसलिए का मीन बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं आऊंगा, या तो मैं नहीं जाऊंगा. इट्स रेनिंग सो दैट आई विल नॉट गो. सो दैट कब आता है, इसलिए, जस्ट वन रीजन दैट, कि बारिश हो रही है इसके लिए मैं नहीं आ सकता हूँ. सो उसका मीनिंग सेंटेंस है इट्स रेनिंग सो दैट I will not go. प्र
प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर विल नॉट आता है नेगेटिव फॉर्म में, तो अगर हमें शॉर्ट फॉर्म्स लिखना है विल नॉट का, तो उसका शॉर्ट फॉर्म्स क्या आएगा? वॉन्ट. विलेंट नहीं लिखेंगे, अपने वॉन्ट लिखेंगे. ओके, ये सो डैट भी हमने बता दिया. इसलिए अभी डैट्स वाई, ये भी एक रीजन है. डैट्स वाई अभी डैट्स वाई आया है, उसका मीनिंग भी है रीजन. वी आर गिविंग सम रीजन, दैट इज हिंदी में बोल सकते इसीलिए. इसीलिए ओके, किसी और की बात को जवाब देने के लिए दैट्स वाई बोलते हैं. किसी और की बात को, किसी ने हमें क्वेश्चन की अराइज किया है और उनकी बात का जवाब देने के लिए हम इसलिए दैट्स वाई बोलते हैं. ओके, उसके सेंटेंस में बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, उसमें भी ऐसे लिखेंगे इट्स रेनिंग दैट्स वाई वी वॉन्ट गो, आई विल नॉट गो. इट्स रेनिंग प्रीवियस सेंटेंस जो बोला वो भी एक रीजन था कॉज, और ये भी कॉज बोल रही है. इट इज रेनिंग दैट्स वाई आई वॉन्ट गो. अंडरस्टूड. अभी दूसरा है डैश ग्रेट. हम बोलते हैं अरे वाह कुछ अच्छा होता है तभी डैश ग्रेट. डैश ग्रेट अरे वाह. ओके, डैश ग्रेट यू लुक ब्यूटीफुल. कोई हमें तारीफ करते हैं तभी भी हम ऐसे बोल लिखते हैं डैश ग्रेट यू लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ओके, दैट्स सो फनी, ये एक फ्रेज है. ये दो डैश ग्रेट डैश सो फनी वो एक फ्रेज है जो हम वर्ड पे भी यूज करते हैं. दैट्स फनी उसके ऐसे बोलते हैं कि फॉरेनर्स यूज दिस, मुझे हंसी आ रही है किसी चीज को देखकर हंसी आ रही है आए तो अंग्रेजी में बोलते दैट्स सो फनी. हम कुछ बोलते तो दैट्स सो फनी. सो ये एक वर्ड यूज होता है, वो फ्रेज है. दैट्स माय बॉय. अभी कभी मम्मी या हमें तारीफें करती है. ओके, हम कुछ बोलते हैं कि मम्मी आज मैंने इतना वेट उठाया, इतना वजन उठा क्या. वाह मेरे शेर. शेर का ये मतलब नहीं है टाइगर या लायन. हम बोलते वाह मेरे शेर, वाह तूने अच्छा काम किया, ये जो इतना बड़ा बहादुर का काम किया है. ओके, सो हम उसको इस तरह तारीफ करते हैं. बहादुराई करके आते तब हमें उसे तारीफ करते हैं. दैट्स माय बॉय, दैट्स माय गर्ल, ये भी हम कभी बोलते हैं सेंटेंस में. दैट्स माय बॉय, दैट्स माय गर्ल. ओके, बॉय होता हम शेर बोलते, गर्ल होता हम शेरनी बोलते. वाह मेरी शेरनी क्या काम तू करके आई है. शाबाशी, वो प्रयोग हम शाबाशी देने के लिए किए जाते हैं. अभी दैट्स इट, दैट्स इट जब यूज करते हैं उसका मीनिंग होता है बस अब बहुत हो गया, तूने बहुत बोल दिया. अपनी बात पूरी करने के बाद ही अंग्रेजी में आते दैट इज बोलते हैं. ओके, और दूसरा है एट दैट टाइम, उस समय. एट दैट टाइम उसका मीनिंग होता है उस समय. उस समय यानी उस समय मैं कच्चे खेल रहा हूँ. आई वॉज प्लेइंग द मार्बल्स, दैट टाइम आई वॉज प्लेइंग द मार्बल्स. हम पहले इस तरह सेंटेंसेस यूज करते हैं. उस समय मैं नहीं आऊंगा, एट दैट टाइम आई विल नॉट कम, या आई विल नॉट कम एट दैट टाइम. ऐसे वर्ड्स भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं. अभी लास्ट है एंड दैट, व्हाट्स दैट, और वो क्या है. कभी हम किसी बात से, जब भी किसी से पूछना है वो की, और वो बात करते करते कोई और बातों पे जाते, तब हम दोबारा जाके बताते हो क्या था, व्हाट्स दैट, हमें बताइए ना, वो बात को पूरा करिए ना, तब हम उसको बोलते वो क्या है. दैट्स व्हाट, अगेन वी आस्क द क्वेश्चन. सो ये सब डैट्स कहाँ कहाँ पे डैट यूज होता है वो उसका वीडियोस मैंने आज आपको बताया है. इसका और एक वीडियोस मैं निकालूंगी, वो बाद में है.
अगले वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसका और डिटेल्स में इंग्लिश के साथ अच्छे से सेंटेंस के साथ और अलग टाइप के रूल्स के साथ मैं आऊँगी. और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन क्लिक द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इवन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू फ्रेंड्स.